सुप्रभात। आज की इस कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम स्पर्श भाग एक का पाठ दो, बछेंद्री पाल से के जीवन से संबंधित, उनके जीवन की रोमांचक यात्रा से संबंधित एक घटना को पढ़ेंगे, जो कि उन्होंने स्वयं खुद स्वयं अपने ऊपर अपने जीवन की जो रोमांचक पर्वतारोहण की जो घटना है उसको स्वयं अपने से ही लिखा है। आप बीती घटना का वर्णन उन्होंने किया है। इस पाठ में लेखिका बचेंद्री पाल कहती हैं कि एवरेस्ट विजय की ये रोमांचक यात्रा पर्वतारोहण जो उन्होंने किया, ये उनके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण सपना था जिसे उन्होंने बड़े ही हिम्मत के साथ पूरा किया। बचपन से ही वे दूर से पर्वत एवरेस्ट के शिखर को निहारती रहीं, पर जब नज़दीक से जाकर उन्होंने उसे देखा तो उन्हें एक अद्भुत रोमांच का अनुभव हुआ और इस प्रकार अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से वे उन्होंने अपने सपने को साकार किया। वे एक बड़ी ही हिम्मती लड़की थी और बचपन से ही उन्हें अपने इस इच्छा को पूरा करने के प्रति बड़ी लगन थी, जबकि घर में उनके माता पिता उनके भाई को तो आगे बढ़ने के लिए कहते थे, परंतु उन्हें लड़की समझकर इस रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकते थे। वे स्वयं अपनी पढ़ाई उन्होंने की और पढ़ाई पूरी करते समय ही उन्हें इस अभियान में शामिल होने का मौका मिला और तुरंत उन्होंने हाँ कर दिया। इस प्रकार ये पर्वतारोहण का जो शिविर लगा और उसमें उसका जो उसके जो सदस्य थे उसमें वे शामिल हो गए। इस प्रकार वे अपने जीवन की इस रोमांच से भरी यात्रा का वर्णन इस पाठ में करती हैं। आइए हम इसे पढ़ते हैं। इस पाठ में उन्होंने इस अपने रोमहर्षक घटनाओं का और अंतिम पड़ाव पर पहुंचने के जो एक अद्भुत अनुभव था उस अनुभव का उन्होंने ब्यौरा दिया है और वे इस प्रकार ऐसा उन्होंने इतना सजीव चित्रण किया है कि ऐसा लगता है कि उनकी इस यात्रा में पाठक भी कदम से कदम मिलाता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। आइए हम इस पाठ को फिर से पढ़ते हैं और इसका आनंद उठाते हैं। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था और जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ करता हुआ वह आगे साफ सा और हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। अर्थात उन्होंने उनके दल ने जब यात्रा शुरू की वह दिन था 7 मार्च का। दिल्ली से उन्होंने प्रस्थान किया काठमांडू के लिए हवाई जहाज से और अग्रिम दल यानी कुछ सदस्य से युक्त एक दल पहले ही जा चुका था। आगे रास्ते की जो दुर्गमता है, रास्ते की जो परेशानी है या विशेष कोई बात है उनका पता लगाने के लिए, उस रास्ते को साफ करने के लिए जिससे कि यात्रा आसानी से की जा सके, एक अग्रिम दल था जो पहले ही रवाना हो गया था। नमचे बाज़ार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांव में रहते हैं। शेरपा एक जाति है, एक पहाड़ी जाति है जो कि यहाँ रहती है।
नमसे बाजार यहाँ का नमसे बाजार यहाँ का एक शेरपालैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, नगरीय क्षेत्र है। और अधिकांश जो पर्वतारोही शेरपा जाति है वे सब इसी स्थान पे इसी के आसपास के गांव के रहने वाले हैं। यह नमसे बाजार ही था जहाँ से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा। यहाँ पे वे बताती हैं कि जब वे नमसे बाजार पहुँची तो यहाँ से उन्होंने एवरेस्ट को देखा, निहारा, यानी कि प्रेम से देखने को निहारना कहते हैं। निहारना बड़े प्यार से देखने को, जिस चीज़ के प्रति हमें आकर्षण रहे उसको देखने को निहारना कहते हैं, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्थान नेपाली जाति नेपालियों के बीच में सागर माथा के रूप में जाना जाता है। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ़ का बड़ा सा फूल प्लूम देखा। जब लेखिका एवरेस्ट की ओर देख रही थी तो उस समय उन्होंने एक बड़ा भारी बर्फ़ का फूल देखा। उस फूल को वहाँ प्लूम कहते हैं, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। ये प्लूम जो है पर्वत शिखर पर लहराता हुआ लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा, पर्वत शिखर पर लहराता हुआ एक ध्वज यानी झंडे के समान प्रतीत हो रहा था। असल में जब तेज हवाएं चलती हैं तो उसे बर्फ उड़ते हैं, और बर्फ उड़ने से वे एक झंडे का रूप, ध्वज का रूप, पताका का रूप धारण कर लेते हैं। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह से के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता है। वहाँ 150 किलोमीटर की रफ्तार से या इससे भी ज़्यादा तेज़ हवाएं जब चलती हैं तो वे हवाएं उड़कर एक फूल का रूप धारण करती हैं जिसे प्लूम कहते हैं। क्योंकि तेज़ हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता है। जब पहाड़ी इलाकों में ऐसे ही आपने देखा होगा, यदि आपने पर्वत की यात्रा की होगी तो आपने देखा होगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में बड़ी तेज़ हवाएं चलती रहती हैं। तो जब हवा चलती है तो ये पुल वहाँ हवा के उड़ने से हवा के साथ बर्फ उड़ता है, और जिसके कारण वे एक फूल का आकार धारण कर लेती हैं और जिसे प्लूम कहते हैं। क्योंकि तेज़ हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता है, क्योंकि ऊपर एकदम ऊपरी छोर के जो बर्फ़ होते हैं वे सूखे हुए होते हैं और हवा से उड़ते रहते हैं। बर्फ़ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या उससे भी लंबा हो सकता है। बर्फ़ का जो ये ध्वज है, ये पताका जो है, बर्फ़ से बनी हुई ये पताका है, ये 10 किलोमीटर या उससे भी अधिक लंबाई वाली होती है, ऐसा लेखिका ने बताया है। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता है। ये जो हवाएं हैं ये तूफान का रूप ले लेती हैं, ये तूफान के रूप में लगती हैं। तो इस जगह यात्रा करने वालों को विशेष रूप से ये इस तरह का अनुभव होता है, इस तरह की पताका का सामना करना पड़ता है, उन्हें ये रास्ते में दिखाई पड़ता है। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिणी पूर्व पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता है। जो बर्फीली हवाएं हैं, तेज़ हवाएं हैं, सर्द हवाएं हैं, इनको उधर जाने वाले सभी लोगों को झेलना पड़ता ही है। विशेषकर खराब मौसम में वह
मुझे डराने के लिए काफ़ी था। लेखिका ने पहले कभी ऐसा मौसम नहीं देखा था और जीवन में पहली बार ऐसा मौसम देख करके उनका डर जाना स्वाभाविक ही था। इस तरह के तूफान उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। और जब मौसम खराब रहे तो इसका रूप और भी ज़्यादा बीभत्स हो जाता है, बुरा हो जाता है। मुझे डराने के लिए काफ़ी था, फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी। ये डरी नहीं, भले ही ये दृश्य डराने वाला था, परंतु ये जो है इनके मन में सागर के इनके मन में एवरेस्ट के प्रति एक अद्भुत आकर्षण सा था और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी वे। और वे मन में उनके एक विश्वास था और एक इच्छा थी कि वे इसके कठिनतम परिस्थितियों का चुनौतियों का वे सामना करें। और अपनी इस इच्छा तीव्र इच्छा शक्ति के कारण वे आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुँचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। लेखिका बताती है कि जब ये 26 मार्च को पेरिस पहुंची तो उन्हें ये पता चला कि वहाँ पे हिमस्खलन हो गया। हिमस्खलन किसे कहते हैं? हिमस्खलन जब ऊंचाई पर से पर्वत ऊंचाई पर से या पहाड़ों की ऊंचाई पर से बर्फ गिरता है नीचे की ओर और दरारें जमीन में पड़ जाती हैं, उसे हिमस्खलन कहते हैं। तो कह रहे शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। जब वे वहाँ पहुँची तो उन्हें शेरपा कुली एक शेरपा कुली की दुखद मृत्यु का समाचार भी उन्हें मिला। खुम्बु हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लोहसे की चोटी से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे की ओर खिसक जाती है। नीचे खिसक आई थी 16 शेरपा कुलियों की दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। लेखिका उस घटना की याद ताज़ा करते हुए कहती हैं कि जब वे वहाँ चढ़ाई करना करने करना शुरू ही करती हैं कि खुम्बु में हिमपात होता है और खुम्बु हिमपात पर जाने वाले जो अभियान दल हैं उसके रास्ते में बर्फ जो कि अग्रिम दल ने हटा दिया था वे सीधी बिछ जाती हैं। ऐसा लगता है कि ये पहाड़े बिस्तर की तरह बिछ गई हैं और ये सारी जो बर्फ की चट्टाने हैं ये पहाड़ी के धसकने से धसकने धसकने माने जमीन की ओर नीचे धस जाने को धसकने कहते हैं, जमीन के धस जाने को धसकने कहते हैं। लेखिका कह रही है कि जब ये वहाँ से चलने ही वाली थी कि उन्हें अपने पहाड़ों के धसकने की बात पता चली। लोसे की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान लोसे की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान खिसकते हुए नीचे की ओर आ जाती है, नीचे की ओर आती है। तो ये बताती है कि जब वे अभी चलना प्रारंभ ही की थी कि लोसे नामक एक जगह है, एक स्थान है पहाड़ी, वहाँ से बर्फ की चट्टान खिसकते हुए नीचे चली आई थी। 16 शेरपा कुली जो है इस घटना में उनकी वे घायल हो गए और बाकी एक की मृत्यु हो गई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न में है कितने शेरपा कुलियों की मृत्यु हुई। तो आप ध्यान दीजिए कि शेरपा कुलियों में से दल के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए, 4 बुरी तरह से घायल हो गए और एक की
मृत्यु हो गई। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान दल में खतरों को और कभी-कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करने चाहिए। लेखक यहाँ ये कह रहे हैं कि जब ये अभियान दल प्रारंभ ही हुआ था कि उन सदस्यों के एक सदस्य के मरने और चार के घायल हो जाने की जो बुरी खबर इन लोगों को मिली, उससे अवसाद की झलक उनके चेहरे पे आ गई थी। अवसाद मतलब दुख, दुख की जो भावना चेहरे पर आती है, मानसिक कष्ट के रूप में उसे अवसाद कहते हैं। अवसाद, उसे अवसाद कहते हैं, जिसे आप फ्रस्ट्रेशन एक तरह से कहते हैं कि जब आदमी कुछ क्या करे क्या ना करे की स्थिति में रहता है, और ऐसे में जब उसे कुछ समझ में नहीं आता और दुख बहुत ज़्यादा घेर लेता है तो उसे अवसाद कहते हैं। हमारे जब ये लोग अवसाद में थे, यानी कि एक कुली की मृत्यु हो गई थी और चार घायल हो गए थे, तो ये लोग अवसाद में पड़े थे, तो इनके जो नेता थे कर्नल खुल्लर, उन्होंने कहा कि एवरेस्ट जैसे महान दल की ओर आगे बढ़ने के लिए कभी अनेक तरह के खतरे झेलने पड़ेंगे और कभी कभी तो आदमी की मृत्यु भी हो जाती है, तो इस घटना को हमें बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। उप नेता प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस आए। लेखक कहते हैं कि आपने पढ़ा, जब प्रारंभ में यात्रा शुरू हुई, जब इन्होंने सागरमाथा से यात्रा शुरू की, तो इनके साथ में इन्हें पता चला कि उसी समय एक दुर्घटना हुई, पहाड़ धसक गया और बर्फीली हवाएं भी चलने लगी, जिससे कि ज़मीन को भी नुकसान हुआ और नीचे ये चार कुली जो है ये घायल हो जाते हैं और एक की मृत्यु हो जाती है। इससे इन लोगों के मन में एक अवसाद की इनके चेहरे पे झलक आ जाती है, माने दुख का भाव इनके अंदर आ जाता है। उपनेता जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, यहाँ पे 26 जब वे 26 मार्च को पहुँचे तो उपनेता वहाँ पे अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, ऐसा उन्हें बताया गया। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। उनके जो कर्नल खुल्लर दल के उपनेता थे, उन्होंने ये बताया कि किस तरह से हिमपात की स्थिति है, कि खम्बू हिमपात की स्थिति इस समय क्या है, उस घटना की ताज़ी खबर उन्होंने इन लोगों को दी। हमें अवगत कराया है कि वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया है। प्रेमचंद ने इन्हें बताया, अवगत कराना माने जानकारी देना, कह रहे हैं कि हिमपात जब उसकी मृत्यु हो गई, उसके पहले की बड़ी बाधा थी खुम्बू हिमपात। खुम्बू हिमपात जो है एक तरह का खुम्बू नामक स्थान है, जहाँ से जहाँ निश्चित लगातार बर्फ गिरता रहता है, तो खुम्बू रास्ते का जो बर्फ का हिमपात है, यानी बर्फ चट्टान से रास्ते का धस जाना, ये जो घटनाएं हैं ये यहाँ के लिए आम बात है। उन्होंने कहा कि उनके दल में कैंप एक 6,000 मीटर की जो ऊंचाई पर है, जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन अग्रिम दल के नेता जो थे प्रेमचंद, वो वहाँ से लौट कर आते हैं और बताते हैं कि अग्रिम दल यानी कि जो दल आगे गया था रास्ता साफ, उन सभी दल के सदस्यों ने रास्ते को साफ
साफ कर दिया था। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो स्थान था वो समुद्र तल से 6,000 मीटर की ऊंचाई पर था, जो हिमपात के ठीक ऊपर है। वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया था। सबसे पहले ये बता दें कि यहाँ का रास्ता कोई साफ कर देने से गंदा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये रास्ते जो है हमेशा बनते बिगड़ते रहते हैं, बनाया जाता है और जानवर इसे तोड़ देते हैं या कभी कभी इंसान से ये टूट जाते हैं। वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर रस्सियाँ बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों को बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। यहाँ पे आप देखिए कि एक शब्द है जायजा, किसी चीज़ की खबर लेने को बोलते हैं जायजा। उन्होंने जो अग्रिम दल के नेता थे प्रेमचंद, वो जहाँ जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है उसका नाम है बेस कैंप, जो समुद्र तल से 6,000 मीटर ऊंचाई पर है, जो हिमपात के हैं। ये स्थान ही हिमपात के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया है। वहाँ तक का रास्ता जो है साफ कर दिया गया है, यानी कि बर्फ बर्फ हटा दिया गया है। यहाँ के रास्ते में ज़्यादातर दिन में तो थोड़ा कम, पर रात में बर्फ गिरता रहता है। बर्फ मैंने पहाड़ों के चट्टानों पर गिरने की जो घटना है वह एक साधारण सी बात है, इसको लोग बहुत महत्व नहीं देते हैं। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर यानी बर्फ की बड़ी नदी और बर्फ का गिरना अभी जारी है। उन कर्नल ये जो प्रेमचंद जो नेता थे अग्रिम दल के, उन्होंने ये बताया कि ग्लेशियर पिघलना अभी जारी है। ग्लेशियर कहते हैं बड़े बड़े जो जल के चट्टान होते हैं उनको ग्लेशियर कहते हैं। तो अभी भी जल की जो चट्टान मतलब जो जल की जो वो है पहाड़ की जो बर्फ की जो चट्टान है, जल की चट्टान नहीं पहाड़ की वो बर्फ की जो चट्टान है उनका गिरना अभी जारी है, ये उन्होंने बताया। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी कार्य व्यर्थ हो सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे बर्फ का गिरना, जमीन का धसकना और हिमपात होने जैसी घटना बहुत आम है। ये कभी भी बर्फ यहाँ पे बर्फबारी हो सकती है, अतः ये कोई यहाँ के निवासियों के लिए न तो इस चढ़ाई पे जाने वालों के लिए कोई खास घटना नहीं है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए मतलब यहाँ पे मौसम का कोई ठिकाना नहीं होता। कभी रुक गई बारिश तो कभी तेज़ बारिश होगी, कभी ठंडा कम हुआ तो कभी ठंडा ज़्यादा होगा। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर के मौसम की कोई एकरूपता नहीं है, ये मौसम हमेशा बदलते रहते हैं। और इस कारण जो सफाई की गई थी उस सफाई का भी मैंने उस सफाई भी खराब हो जाने का बहुत संभव ये है कि ये जो यहाँ पे बर्फ हटाकर जो रास्ते बनाए गए थे वे फिर से उसी तरह से बर्फ से ढक गए। बेस कैंप में पहुँचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। लेखिका बताती हैं
कि जब ये बेस कैंप पहुंची तो वहाँ पर उन्होंने एक और व्यक्ति के मृत्यु की खबर प्राप्त की। सर्वप्रथम चढ़ाई करने के समय एक चट्टान धसकने से एक शेरपा कुली की मृत्यु हुई थी और ये दोबारा मृत्यु हुई। ये अनुकूल मौसम अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई। यहाँ पे मौसम तो खराब हमेशा ही होता रहता है, तो मौसम ज़्यादा खराब हो गया था तो उन लोगों के जो रसोइयाँ के जो सहायक थे, मतलब रसोई के कार्य में जो मदद करने वाले थे, उनकी मृत्यु हो गई। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं थे। वे बोलती हैं कि एक के बाद एक घटना दुर्घटना ऐसी घटती जा रही है कि इसमें मतलब वे बहुत अच्छे आशाजनक स्थिति में नहीं हैं, ऐसा पता चलता है। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। लेखिका बताती हैं कि एवरेस्ट के शिखर को उन्होंने इसके पहले 2 बार देखा था, परंतु एक दूरी से देखा था। इतने नज़दीक से उन्होंने एवरेस्ट के शिखर को कभी नहीं देखा था। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत पर अपनी अन्य श्रेणियों को देखा। लेखिका कहती हैं कि जब ये कैंप में पहुंची तो दूसरे ही दिन एवरेस्ट पर्वत तथा इनकी अन्य श्रेणी मतलब चोटी, जो ऊंचे ऊंचे कई स्थान होते हैं उसे श्रेणी बोलते हैं, पर्वत की चोटी बोलते हैं। तो जब वहाँ पहुँची तो उन्होंने पर्वत की कई श्रेणियाँ देखी। मैं भौचक्की होकर, भौचक्की का अर्थ है आश्चर्यचकित होना, मैं होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट लोह से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। वे वहाँ की सुंदरता को निहारती हैं, वहाँ पर्वतीय क्षेत्र की जो सुंदरता है उसको देखती हैं। कहती हैं कि वे थोड़ी दूरी से ही प्लूम को यानी फूल को उन्होंने देखा। अब बेस कैंप पे जब ये पहुंची तो मैंने एवरेस्ट पर्वत पर इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। तो एवरेस्ट पर्वत पर उन्होंने अन्य इसकी जो चोटियां हैं उसको उन्होंने देखा। मैं भौचक्की रह गई। उसकी ऊंचाई को, उसकी सुंदरता को देख करके ये आश्चर्यचकित रह जाती हैं, आश्चर्यचकित हो जाती हैं और एवरेस्ट लोह से और नुसे की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रहती हैं और वहाँ की सुंदरता को, अद्भुत वहाँ के दृश्य को वे देखती रहती हैं और उसको प्रेम से निहारती रहती हैं। मतलब कि वहाँ पे जो उसकी जो सुंदरता है उसके दर्शन वे करती रहती हैं। कह रही हैं कि जब वो वहाँ पर पहुँचती हैं तो वहाँ पे उन्होंने एक सुंदर से पहाड़ी फूल को, बर्फ की फूल को देखा। उसके बाद वहाँ एवरेस्ट लोसे और नोसे की जब ऊंचाई पे पहुँची तो उन्होंने बर्फ़ की जो टेढ़ी मेढ़ी नदी थी उसको उन्होंने देखा और उसका आनंद लिया। हिमपात अपने आप में एक तरह बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हिमपात माने बर्फ गिरना, तो बर्फ भी अव्यवस्थित ढंग से गिरना। अव्यवस्थित मतलब कभी कम कभी ज़्यादा, उसमें कोई व्यवस्था नहीं थी। ये तो प्राकृतिक चीज़ है, इसमें किसी का कोई बस नहीं है। कभी ज़्यादा, जैसे कभी हमारे यहाँ ज़्यादा वर्षा होने लगती है या कभी सूखा हो जाता है, इसी तरह से इनके भी इस स्थान पर थोड़ी अव्यवस्था फैल गई। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहाने बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी,
इन्हें पता चला कि बर्फ़ के गिरने से, बर्फ़ के यहाँ पे गिरने से वहाँ थोड़ी सी हलचल मच जाती है, और मतलब कि पहाड़ बर्फ़ गिरने से वहाँ की चट्टानें नीचे नीचे खिसकती चली जाती हैं भार पा करके, और वे उनके धसकने का भी संभावना उनके धसकने की भी संभावना रहती है, और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती है। और बर्फ़ जो गिरता है, गिरने के बाद वह एक जगह जम जाए तो वो एक भयावह स्थिति पैदा हो जाती है, फिर जाने के सारे मार्ग बंद हो जाते हैं, और वहाँ जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए पर्वतारोहियों को पर अपने हाथ से जो बर्फ़ का पर्वत बना हुआ है उसे अपने हाथ से काटना होता है। वहाँ एक बर्फ़ काटने वाली एक छुरी होती है, बर्फ़ काटने वाली एक वो होती है, छोटी सी कुल्हाड़ी हो के टाइप में होती है, कि मतलब कि वो उसी से रास्ते के बर्फ़ को काटते रहते हैं। अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती है। रात भर का जो बर्फ़ गिरता है, ताज़ी ताज़ी बर्फ़ गिरने से वे रास्ते को बंद कर देती हैं, और एक भयावह स्थिति पैदा हो जाती है। भयावह मतलब रोज़ रोज़ प्राकृतिक आपदाएं होती रहती हैं, तो इंसान डर जाता है, और कहीं ऐसा ना हो कि कहीं रास्ते में ही और कोई विपत्ति आए, इस डर से लोग कांप उठते हैं और उनके मन में एक भय व्याप्त हो जाता है। इस प्रकार अब ये कहती है कि मतलब हर पग पर एक डर का वातावरण था, हर पग पर एक भय था, आतंक था, कि कब पर्वत ऊंची ऊंची बर्फ की जो चट्टाने हैं वो धसक जाएंगी, खिसक जाएंगी, और कब किसी का कोई नुकसान हो जाएगा, या कब किसी की कोई दुर्घटना या घटना घटित हो जाएगी। अन्य कारणों में भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती है, और जब तेज हवा चलती है और इस तरह के बर्फ धसकते हैं तो माहौल भी बड़ा भयावह हो जाता है। ऐसी भयावह स्थिति वहाँ पे हो जाती है, ऐसा प्रतीत होता है कि चारों तरफ एक भय का माहौल हो गया है, आतंक का माहौल हो गया है, क्योंकि ऐसे अभियान में फिर वापस बीच में इस अभियान को छोड़ के वापस तो नहीं आया जा सकता, इसीलिए ये एक भय की स्थिति बन जाती है, खतरनाक स्थिति बन जाती है, और इस खतरनाक स्थिति से बच निकलने के लिए आदमी को यदि पर्वतारोहण करना है तो उसे उसकी मनसा दृढ़ होनी चाहिए, उसके मन में जो भावना है वह दृढ़ होना चाहिए, उसे डर जैसे भाव मन के अंदर नहीं लाने चाहिए। पढ़ने पर विचार इस बार इस दरार का गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। जो पर्वत की चट्टाने, जो बर्फ की चट्टाने गिरती हैं उससे रास्ते में एक दरार पड़ जाती है, और यह दरार इतनी भयानक होती है कि इस दरार में एक बार यदि गिर जाए कोई तो उसका जीवित रहना असंभव है। तो यही बता रहे हैं कि यहाँ इस तरह के माहौल में उन्होंने यात्रा शुरू की, अब शेष आगे की कक्षा में।